हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटा सा कार्ट है, फूड ट्रक है या छोटा सा कैफे है जिसकी सेल को आप बढ़ाना चाहते हैं बट बढ़ नहीं रही है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं। चाहे आपका फूड बिजनेस हो, चाहे आपका नॉन फूड बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, हर बिजनेस में कुछ एक स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपने छोटे से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। मतलब आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है, बट डेफिनेटली इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने के बाद आपका काम बढ़ता है और आपकी सेल आपको ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। बेसिकली हम इस वीडियो में तो मैं कार्ट के बिजनेस को ही कवर करने वाला हूँ, बट इनसे रिलेट करके आपका कोई भी बिजनेस है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। सो फटाफट से चलते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली कार्ट्स ओपन करे हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स खोले हैं, बट खोलने के बाद बहुत अच्छी सेल थी, अभी धीरे धीरे सेल डाउन हो रही है, या काफी लोगों का ऐसा है कि भाई दिन में बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं। सो उन लोगों को ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, देखना उनको कुछ ना कुछ रिस्पांस अच्छा देखने को मिलेगा एंड कस्टमर बढ़ते हुए देखेंगे। तो फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और मैं आपको आसान 6 तरीके बताऊं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी के साथ में ग्रो कर सकते हैं। उससे पहले एक बहुत जरूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं एंड वो बहुत ज्यादा मुझसे पूछते हैं कि भैया बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें ऐसा तरीका बताइए कि हम कुछ भी पैसे ना लगाएं और हमारा बिजनेस भी चल जाए, हमारा बिजनेस ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत कम तरीके होते हैं एंड वो मैक्सिमम तरीके जो होते हैं वो बेकार होते हैं, कोई भी प्रूवन मेथड्स नहीं होते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्रो करना है, सो आपको कुछ चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे स्टॉक्स हो गए, इन्वेंट्री हो गई, इसके अलावा मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए एंड ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी मार्केटिंग पे भी खर्चा करना पड़ता है। एंड इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं एंड फंड जुटाने के लिए, बिजनेस में पैसा लगाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। मे बी आपके पास कोई स्टॉक्स हो, फिक्स डिपॉजिट हो, आपकी कोई LIC पॉलिसी हो, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जिसके अगेंस्ट में आप लोन लेकर अपने बिजनेस पे तो पैसा लगा सकते हैं। बट इन सबके लिए अगर आप लोन लेते हैं इन सारे तरीकों से, तो इसमें बहुत लंबा पेपर वर्क होता है और टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है एंड कोई गारंटी नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, कितना ज्यादा होता है। बिजनेस की शुरुआत हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, आपको इंस्टेंट कैश की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा लंबा समय लगे या बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो, सो उसके बाद मिला हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता क्योंकि फिर समय निकल जाता है। सो ऐसे टाइम पे एक ही चीज काम आती है जो कि है गोल्ड। आज से नहीं, पुराने समय से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड को सिर्फ पहनने के लिए ही नहीं, हमेशा लोग सोने को खरीदते थे एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। इसीलिए गोल्ड को लिक्विड कैश भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही आपको कोई लगता है कि आपको बहुत जल्दी अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट हो, तो आप गोल्ड को गिरवी रखकर अपना काम चला सकते हैं, आपको पैसा तुरंत मिल जाता है। एंड इनफैक्ट दोस्तों, मेरे फ्रेंड को भी अपना एक बिजनेस शुरू करना था एंड बिजनेस शुरू करने के लिए उसको अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट थी, बट वो सोना बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसके परिवार की मेहनत की कमाई का कमाई करने के बाद खरीदा हुआ सोना था। सो इसीलिए वो उसने डिसाइड किया कि वो गोल्ड लोन लेगा। लेकिन गोल्ड लोन की जब बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी कंपनीज है फ्रॉड जो मार्केट में चल रही हैं, इसीलिए हम कोई ट्रस्टेड कंपनी को ढूंढ रहे थे। सो मैंने सजेस्ट किया कि वो IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर सकता है एंड IIFL फाइनेंस में गोल्ड लोन लेना बहुत ज़्यादा सिंपल एंड कन्वीनियंट होता है, बहुत आसानी के साथ में यहाँ पर गोल्ड लोन मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको आपके गोल्ड की सही कीमत भी दी जाती है। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट जितना बताया जाता है उतना ही चार्ज किया जाता है और जो बताया जाता है वो बेस्ट होता है, एक रुपए भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। एंड जब बात आती है गोल्ड को गिरवी रखने की, तो हम सबसे पहले देखते हैं अपने गोल्ड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो यहां पर IIFL फाइनेंस में आपके गोल्ड को 100% सेफ रखा जाता है, क्योंकि यहां पर आपके गोल्ड को टेंपर प्रूफ पैकेट में पैक करने के बाद 18 इंच के लॉकर में रखा जाता है जिसको आपके सिवा कोई और नहीं खोल सकता है। दोस्तों, बात वही सॉलिड लगती है जो सीधी होती है। साथ ही में दोस्तों, IIFL फाइनेंस में अभी चल रहा है गोल्ड लोन मेला, जिसमें आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस को जीत सकते हैं, जैसे लग्जरी कार हो गया, स्मार्टफोन्स हो गई, बाइक्स हो गए और भी बहुत सारे निश्चित उपहार हैं। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अगर आप न्यू ईयर पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो एक धमाकेदार एंट्री आप कर सकते हैं। फंड्स की कमी अगर आपको है तो आप IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब बारी है एक नई शुरुआत की विद IIFL फाइनेंस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, गो एंड चेक आउट। सो चलते हैं अब आज की वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, अगर आपका एक छोटा सा कार्ट है तो आपको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने होते हैं। आप सबको पता है आपको इसमें सबसे पहला काम करना होता है अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग स्टॉल।
देखिए आप सबको पता है जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, तो आज के टाइम में अगर अच्छा दिख रहा है तो डेफिनेटली लोग आपके स्टॉल में विजिट करेंगे। तो इसके लिए अगर ना अच्छी प्रॉपर लाइटनिंग रखो, देखो ये मत सोचो कि मेरा अगर जब कैफे होगा तो मैं इस तरीके की लाइटनिंग करूंगा, मैं प्लान करूंगा, बहुत ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रेजेंट में जो आपके पास है उसको संवारने के बारे में सोचो, फ्यूचर में जो चीज़ें होती जाएंगी तब आप उनके लिए काम करिएगा। तो अगर आपका एक अभी कार्ट है तो कैफे की प्लानिंग मत करो, अपने कार्ट को ही अच्छे से डेकोरेट करो। ऐसा होना चाहिए आपका कार्ट कि अगर कोई रास्ते से जा रहा है तो आपके कार्ट पर नज़र पड़े तो उसको ये लगे कि इस पर एक बार चलते हैं, कुछ अच्छा ही मिल रहा होगा। तो आप ये समझ लो, देखो आपके कार्ट की जो स्पेशलिटी है, अगर आप चाय बेचते हो तो आपके कार्ट के सामने एक बड़ा सा बैनर लगा होना चाहिए जिसमें एक रिफ्रेशिंग सी चाय का कुल्लड़ होना चाहिए, जिसमें धुआं निकल रहा हो और बड़ा सा उसमें लिखा रहना चाहिए चाय स्टार्ट्स विद ओनली 10 रुपीज़, या कुछ भी जो भी आप करते हैं। या अगर आपका पिज्ज़ा है तो एक रिफ्रेशिंग बड़ा सा आपका एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर बड़ा सा एक पिज्ज़ा बना होना चाहिए और उसमें आपका लिखा होना चाहिए पिज्ज़ा स्टार्ट्स ओनली विद जितना भी आपका होता है 49 69 जो भी है, एक स्टार्टिंग प्राइस आपको लिखना होना चाहिए। आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, मैक्सिमम बड़ी कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को वो बहुत ज़्यादा मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसकी। तो यही काम आपको करना है, चाहे आपका स्टॉल है, कार्ट है, कैफे है, कुछ भी है, आप अपने जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो उसकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा करो। आपकी शॉप के बाहर बड़े बड़े बैनर उसी के होने चाहिए, अगर कार्ट है तो कार्ट के बाहर भी, एंड लाइटनिंग प्रॉपर करो। एक छोटा सा काम आपको और करना होता है, जब फेस्टिवल आते हैं तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ नई डेकोरेशन अपने कार्ट पे भी करो। क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस ट्री लगा दो यार, एंड सेंटा कैप आप लोग पहन लो। ये छोटे छोटे काम होते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं, एंड यूजुअली बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि यार ये कार्ट में कौन करता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसमें क्यों खर्चा करें। लेकिन ये खर्चा नहीं होता, ये एक अच्छा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होता है जो रिटर्न आपको डेफिनेटली देता है। लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लोग आते हैं कि यार अच्छा आज क्रिसमस आने वाला है वो देख कुछ स्पेशल कर रहे हैं, बाकी कार्ट नहीं कर रहे हैं, आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है, सिर्फ 6 पॉइंट पर बात करने वाले हैं फटाफट, जो दूसरा पॉइंट है वो है रिसर्च योर कॉम्पिटिटर्स। देखो हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर मोटिवेट होकर हम अपना कार्ड खोल लेते हैं, बट मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखते हैं, कॉम्पिटिशन को नहीं पता करते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो आपको यहाँ पर करना सिर्फ इतना है, मैं मान लेता हूँ कि आप एक पिज्ज़ा का बिजनेस खोलने वाले हैं तो आपको सिर्फ छोटा सा काम ही करना है कि आपको अपने मार्केट में हर पिज्ज़ा आउटलेट पर जाना है, जैसे कि मैं बहुत वीडियो में आपको कह चुका हूँ। एंड ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है जिसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, ये सोच के कि यार ये फालतू की चीज़ है, बट ये फालतू की चीज़ नहीं है। अगर आपको किसी बिजनेस की नॉलेज है आप मुझे बताओ कि आप उसमें फेल कैसे हो जाओगे। तो इसलिए मार्केट की प्रॉपर रिसर्च करो, कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करो, बेसिकली कॉम्पिटिटर्स को पहचानो, उनके प्राइस को मतलब क्या प्राइस चल रहा है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, ये सब चेक करो। ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, क्या बेस्ट कर रहे हैं, किस प्राइस में उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, ताकि आप मात ना खाओ। वो लोग 40 रुपये का कोई चीज़ बेच रहे हो और आप उसी प्रोडक्ट को 70 का 80 का बेच रहे हो तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। तो ये आइडियली आपको जज करना पड़ेगा पूरे मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानने के बाद, उनके प्रोडक्ट को ट्राई करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है इनकरेज योर एम्प्लॉयज। देखो कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती, तो कोई भी राजा अकेले युद्ध करने नहीं जाता, वो डेफिनेटली अपनी प्रजा के साथ जाता है, और हर जंग को जीतने के लिए प्रजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी भी अपने एम्प्लॉयज को नज़रअंदाज मत करो, उनके किए हुए काम के लिए उनको अप्रिशिएट नहीं करना, ये सब गलत होता है। सो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा इनकरेज करते रहो। अगर आपका स्टॉल है, कार्ट है, फूड ट्रक है, फूड स्टॉल है, या आपकी कपड़े की दुकान है, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम उनके अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करो, इनकरेज करो, अप्रिशिएट करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप उनके लिए छोटा छोटा कुछ कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। जब आपका बिजनेस एक थोड़े थोड़े स्टेप पर चल रहा है, आपकी अच्छी सेल आ रही है, तो उनको आप एक कूपन सिस्टम दे सकते हो कि इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप हर महीने एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाओ, उसको 500 रुपये का कूपन दे दो कि आप हमारे यहाँ से 500 रुपये का कुछ भी ले सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा यार, आपके पास ही वो कूपन रिडीम करेगा, और इस कूपन के चक्कर में बाकी एम्प्लॉयज़ भी अपना 100% देंगे, कोई पिलफ्रेज नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, किसी तरीके कोई चोरी नहीं करेगा, हर एम्प्लॉय अपना 100% देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप मूवी टिकट्स दे सकते हो, इसके अलावा आप उन्हें कहीं पे डिनर दे सकते हो, या बहुत अच्छा आपका काम है तो फिर आप उसके हिसाब से अपने ऑफर्स को बढ़ा सकते हो, और अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा बेनिफिट देने के बाद उनसे अच्छा आउटपुट ले सकते हो। आप उनके लिए अच्छा करोगे, वो आपको रिटर्न में अच्छा करके देंगे, सिंपल सी बात है। हैप्पी एम्प्लॉय ऑलवेज हैप्पी कस्टमर, तो सिंपल सी बात है, आपके एम्प्लॉय अच्छे होंगे तो आपके कस्टमर को भी हमेशा हैप्पी रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेस्ट प्रोडक्ट एट बेस्ट प्राइस। देखिए ये इंडिया है, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर होते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ अगर 10 रुपये की मिल रही है और आप 20 की बेचोगे नहीं लेंगे आप।
आप अच्छी क्वालिटी देते हो तो आपके आपको मार्केट बनाने में टाइम लगेगा, बट अगर आप चाहते हो कि आपके कार्ट पे इंस्टेंटली अच्छी सेल देखने को आपको मिले तो आपको बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस पे देना पड़ेगा इंडियन मार्केट में, तभी आप सस्टेन कर पाओगे, चला पाओगे अपने बिजनेस को। तो बस इतनी सी बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि मार्केट का जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचान लोगे, उनके प्राइस को देख लोगे, तो उनसे मिलता जुलता प्राइस रखो और उनसे अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करो। वो आप तब दे पाओगे जब आपका जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता आप बाय करोगे। मैक्सिमम फूड बिजनेसेस में क्या होता है, वो रिटेल शॉप से सामान ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेने के चक्कर में, बट आप कोशिश करो कि आपका जो रॉ मटेरियल उसको कम से कम पे खरीदने की कोशिश करो। जितना सस्ता आप रॉ मटेरियल खरीदोगे उतना ही सस्ता आपका फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार होगा और उतना ही सस्ता आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट वो अवेलेबल करा पाओगे, तभी आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा एंड कस्टमर भी हैप्पी रहेगा। सो इसमें सारा गेम है स्टार्टिंग का, जो कि रॉ मटेरियल है। तो सही से अगर आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया सही मार्केट से सही होलसेलर से तो आपको एंड में उसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगेजिंग विद योर कस्टमर्स ऑन सोशल मीडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना आज के टाइम में कि अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है अपने बिजनेस का तो आप, मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है आपको। एंड मैक्सिमम चीज़ों को आपने देखा होगा, हर किसी कंपनी को आप उठा के देख लो, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स अब हैं आज के डेट में एंड ये कंपलसरी हो चुका है। तो आप अपने बिजनेस का जैसे ही ट्रेड नेम रजिस्टर करवाते हो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो उसी नाम से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब हैंडल, ट्विटर हैंडल, स्नैपचैट, जो भी आप करना चाहते हो, व्हाट्सएप अकाउंट, ग्रुप्स, जो आप बना सकते हो सब कुछ बना लो, फेसबुक पेज, वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। वो आपके कस्टमर को जोड़कर रखेगा, आपके नए ऑफर्स के बारे में उनको अवेयर करता रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब आपको फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंगेजिंग विद योर कस्टमर्स ऑन सोशल मीडिया, सो उनसे इंगेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को बोल सकते हो कि सर अगर आप ये पेज को फॉलो करते हो हमारे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, आपको अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, अगर आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सब्सक्राइब करते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, या अगर आप पोस्ट डालते हो जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हों ऑलरेडी तो उनको आप बोलो कि सर हमारे आउटलेट के अगर आप पोस्ट डालते हो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। छोटे छोटे काम आप करो, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सिक्स पॉइंट है इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन। कभी भी ये मत सोचो कि यार मेरे को आज कस्टमर से कमाना है, हमेशा दूर का सोचो कि इस कस्टमर से मेरे को बार बार कमाना है। किसी भी कस्टमर को एक बार का बिजनेस मत देखो, रिपीट बिजनेस हमेशा हर कस्टमर में देखो। तो हर कस्टमर जब आप रिपीट बिजनेस देखोगे तो उसके लिए आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। सो कस्टमर का रिटेंशन प्रॉपर बनाने के लिए आप एटलीस्ट कस्टमर से बात करो, उनको स्पेशल फील कराओ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ बड़ा करना है, बट एटलीस्ट आप जब उनको प्रोडक्ट सर्व करते हैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करिए। अगर आपको पता चल जाता है कोई ग्रुप आया उसका बर्थडे है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं एंड जो कस्टमर बार बार उनके आपके पास आ रहे हैं सो उनको हाय हेलो करो, हाय सर कैसे हैं आप लोग। देखो आप उन्हें जानते हो, आप उनको शक्ल से पहचानते हो कि यार ये दो तीन बार आ चुके हैं हमारे यहाँ, तो उनसे हाय हेलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग करिए, गुड मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग करिए, गुड आफ्टरनून है आफ्टरनून करिए उनको विश। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, विश करिए उनको, तो वो थोड़ा सा फैमिलियर होने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे आपसे बात करने लगेंगे एंड फिर वो किसी और के यहाँ जाने को छोड़कर आपके यहाँ पर आना प्रेफर करेंगे, दूसरों को वो अवॉइड ही करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिनमें से बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं ये छोटे सोच के कि हमारा छोटा सा कार्ट है इसमें ये ज़रूरी नहीं है, बट हर बिज़नेस में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब हर बिज़नेस में तो नहीं कहूँगा, जैसे अगर आपका कपड़ों का बिजनेस है या आपका कोई और बिजनेस है तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज चेंज हो सकती हैं, बट ये ज़रूरी है। जैसे कपड़े का बिजनेस है आपको वहाँ पर भी इंगेज करना है अपने कस्टमर से सोशल मीडिया पे, एंड मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बने हैं सिर्फ इंस्टाग्राम से, घर से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके आज वो बड़े ब्रांड्स में कन्वर्ट हो गए, तो ये ज़रूरी होता है। तो मैक्सिमम बिजनेसेस में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।